today we are going to discuss about the kidney stones and uh, the kidney failure or uh, which is which is also called as the renal failure actually these are the modified lectures for federal board as well as for the punjab uh, for the class 10th so uh, let's start to discuss वट डू यू नो अबाउट द किडनी स्टोन्स आप किडनी स्टोन्स uh, के बारे में क्या जानते हैं एक्चुअली किडनी स्टोन्स जब भी हम बहुत सारी वेजिटेबल्स खा लेते हैं या फिर ऐसा कोई भी हम खाना खा लेते हैं जिसमें बाजात मट्टी वगैरह होता है तो यही जो मट्टी है या फिर जो वेजिटेबल्स खा लेते हैं तो इनमें बहुत सारे किस्म के मतलब ये कि केमिकल्स होती हैं जा, जो जाके कि हमारे किडनी के अंदर क्योंकि किडनी इनको फ़िल्टर करता है तो वो वहाँ जा के क्या होती हैं कि डिपॉज़िट हो जाती हैं और इस तरीके से वो जब डिपॉज़िट होते रहते हैं तो वो एक आ, मिल कर एक छोटा सा स्टोन बनाते हैं जो कि एम 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 में होता है ठीक है मिली में होता है मतलब बहुत छोटा होता है लेकिन अब बनस्बत हमारे यूरेटर के या फिर हमारे यूरनरी ब्लेडर के तो वहाँ जाके जो ने उनका साइज़ छोट बहुत कम होता है तो वो वहाँ जाके आ, स्टैक हो जाते हैं फंस जाते हैं उधर ओके वेन यूरिन बिकम कंसनट्रेट द क्रिस्टल्स ऑफ साल्स ठीक है मतलब ये कि जब आ, जो यूरिन कंसनट्रेट हो जाता है तो साल्स के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है कैल्शियम है वट जो भी जो भी हम साल्टमोस्ट इन टेक करते हैं उनमें से कुछ की एग्जांपल्स ये देंगे कि उनमें क्या होता है कैल्शियम ऑक्जीलेट होता है uh, एक मिनट में पॉइंट जो है ना वो कर रहे उनमें क्या होता है कैल्शियम ऑक्जीलेट होता है उसके अलावा कैल्शियम और अमोनियम फॉसफेट कैल्शियम फॉसफेट भी हो सकता है और अमोनियम फॉस्फेट भी हो सकता है उनके केमिकल्स की बात हो रही है और उसके अलावा यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स यूरिक एसिड एक्चुअली ये खुद एक सॉलिड फॉर्म है ठीक है क्योंकि डिफरेंट अगर देखा जाए डिफरेंट एनिमल डिफरेंट किस्म के जो है ना यूरिन सेक्रेट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम बात करें एनिमल्स की तो एनिमल्स यूरिया रिलीज़ करते हैं और इसी तरीके से अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो वाटर में रहते हैं तो वो डायरेक्टली अमोनिया रिलीज कर रिलीज़ करते हैं ये आ, ये रजिस्टर उठा लें और ये साथ में आ, लिख लें कि जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे फिशेस हो गई या फिर फ्रॉग एम्फीबंस वगैरह जो वाटर वाटर में रहते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं अमोनिया डायरेक्टली वाटर के अंदर रिलीज़ करते हैं क्योंकि वहाँ वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो इस वजह से जो ना ज़्यादा वाटर चाहिए होता है अमोनिया को रिमूव करने के लिए तो फ़िशज़ भी वाटर में रहती हैं तो वो क्या क्रिएट करते हैं एज जो ना अमोनिया सेक्रेट करते हैं एज आ वेस्ट मटेरियल के तौर पर सिमिलरली अगर हम बात करें जो टेरिस्टल रीजन्स में रहते हैं फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बर्ड्स की तो बर्ड्स क्या रिलीज़ करते हैं यूरिक एसिड एज वेस्ट मटेरियल रिलीज़ करते हैं देन और बाकी एनिमल्स वगैरह दूसरे जैसे कि ह्यूमंस वगैरह तो ये क्या रिलीज़ करते हैं ये यूरिया रिलीज करते हैं डन अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है मोस्ट स्टोन्स स्टार्ट इन किडनी देखो किडनी uh, जो स्टोन की फॉर्मेशन होती है वो कहाँ होती है किडनी में होती है अब किडनी से वो ट्रैवल होकर कहाँ जाता है या तो वो यूरेटर में जा के फंस जाता है क्योंकि यूरेटर की जो साइज़ है उसकी जो ऐसा समझो डायमीटर है वो कम होता है जिसकी बेस पे जा वो यूरेटर में रुक जाता है या फिर यूरेटर से भी पास करके वो यूरेट्री ब्लेडर में जाके रुक जाता है क्योंकि वहाँ से वो यूरिथ्रा तक मतलब यूरिथ्रा से क्रॉस करके बॉडी से रिमूव आउट नहीं हो पाता वो यूरिनरी ब्लेडर तक रुक जाता है मतलब यूरिनरी ब्लेडर से यूरिथ्रा की जो ओपनिंग है ऊपर से यूरिनरी ब्लेडर से वो वहाँ जाके रुक जाता है सच लार्ज क्रिस्टल्स के नाट पास इन द यूरिन अब जब ये जो क्रिस्टल्स हैं ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स या फिर कैल्शियम ऑगजिलेट या कैल्शियम और अमोनियम फॉस्फेट के तो ये क्या होते हैं कि ये यूरिन से मतलब पास नहीं हो सकते यूरिथ्रा से पास नहीं हो सकते यूरिन के ज़रिए तो ये क्या करते हैं दे आ, वो आपस में क्या मतलब ये कि कम मिक्स हो जाते हैं मिक्स होके जो है ना एक हार्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम किसका नाम देते हैं स्टोन या फिर किडनी के अंदर होता है तो इस बेस पे हम इसको किसका नाम देते हैं किडनी स्टोन का नाम देते हैं डन अब नेक्स्ट क्या चीज़ है ये ऐसा समझेंगे ये खिड़नी है इसका ये उसका स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के अंदर ये देखें कि ये जो ये एरिया है इस एरिया में आपको ये स्टोन नज़र आ रहे हैं ठीक है छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं मतलब ये कि आ, ऐसा समझो कि जवार ज्वार या बाजरा ठीक है या गंदम के जो दाने हैं उनसे भी थोड़े छोटे होते हैं ओके या बाज़ात ऐसा होता है कि इनसे भी बड़े होते हैं वट आर द मेन काजेज़ ऑफ़ किडनी स्टोन ये किडनी स्टोन होता किस वजह से वट आर द रीज़न्स बिहेंड इट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन ओके तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल किडनी स्टोन के जो मेजर काजेज़ में एक मेन फैक्टर आता है वो एजिंग एजिंग के हवाले से जब हमारे किडनी इन चीज़ों को फिल्टर नहीं कर पाते तो उससे क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम होता है वो डाउन चला जाता है तो ये एक मेजर काज है किडनी स्टोन का और उसके अलावा हमारी डाइट ऐसी होती है अब डाइट ऐसी है जिसमें हम वेजिटेबल्स को ज़्यादा इंटेक करते हैं जब हम वेजिटेबल्स को ज़्यादा इंटेक करते हैं तो उनमें है ये साड्स वगैरह ये यूरिक एसिड यूआक्लेट अब पालक है पालक में स्पेनिच इसमें इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है साड की कंसन्ट्रेशन और वही साल्ट जो ना है ना जाके क्या काज करते हैं यूरिक एसिड काज करते हैं मतलब ये कि किडनी स्टोन काज करते हैं पालक हो गया टमाटर हो गया तो ये चीज़ें जाके क्या काज करते हैं किडनी स्टोन काज करते हैं अब आलमोस्ट ऑन वेजिटेबल्स में विटामिन डी और सी मौजूद होता है नेक्स्ट है कि ये यूरेनरी ट्रैक इन्फेक्शंस काज करते हैं ठीक है अब मतलब जब आपके यूरनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जा किसकी वजह से होता है इन्हीं किडनी की सॉरी किडनी स्टोन की वजह से हो जाता है अब दूसरी बात यह कि जब आप कम वाटर इंटेक करते हैं जब आप ही कम इंटेक कर रहे हैं तब किडनी क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को क्या करता है रीऑब्ज़ॉर्व करता है वाटर की आ, आ, वाटर लॉस से बचने के लिए तो अब जब क्योंकि उससे यूरिन जो प्रोड्यूस होगी वो कंसनट्रेट होगी मैंने क्या बात की है कि जब लेस वाटर होगी तो जो यूरिन है वो कंसनट्रेट प्रोड्यूस होगी यूरिन कंसनट्रेट प्रोड्यूस होगी अब जब यूरिन यूरिन कंसनट्रेट प्रोड्यूस होगी तो उससे क्या होगा के उसमें सार्स की कंसनट्रेसन हाई होगी जब सार्स की कंसनट्रेशन हाई होगी तो वो क्या काज करेंगे किडनी स्टोन काज करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है अल्कोहल कन्ज्पशन अल्कोहल जो है ना ऐसे समझो हर डिज़ीज़ की आलमोस्ट जो है ना आ, मदर ऐसे समझ लें कि बहुत सारी बीमारियाँ किसकी वजह से होती हैं अल्कोहल की वजह से होती हैं अब नेक्स्ट क्या चीज़ है इसके सिम्टम्स क्या हैं अब इसके सिम्टम्स क्या हैं अब सिम्टम्स में क्या है कि स्वेयर पेन इन किडनी और लोअर एबडामिन सॉरी ये एबडामिन लिखा हुआ है कि ये जो एबडामिन है उसके निचले साइड पे साइड पे क्या होता है पेन होता है वोमिटिंग होती है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है मतलब एक ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यूरिन रिलीज़ होता है और उसके अलावा फाउल स्मेलिंग यूरिन विद ब्लड एंड पस मतलब जो यूरिन प्रोड्यूस होता है उसमें ब्लड और पस मटेरियल वगैरह वो चीज़ें मौजूद होती हैं अब नेक्स्ट क्या चीज़ है आगे इसकी ट्रीटमेंट क्या है किडनी स्टोन की जो ट्रीटमेंट है वो दो मेथड से होती है एक तो वाटर को ऐड करने से और दूसरा हमारे पास जो स्पेशल टेक्निक होता है जिसको हम लेथोट्रिप्सी कहते हैं अब देखो नाइन्टी परसेंट ऑफ़ द जो किडनी स्टोन है ना अबाउट नाइन्टी परसेंट ऑफ़ द किडनी स्टोन्स आर पासेस थ्रो द यूरनरी सिस्टम बाई ड्रिंकिंग पेलेंटी ऑफ वाटर बाई टेकिंग पेलेंटी ऑफ वाटर अबाउट नाइन्टी परसेंट ऑफ़ द किडनी स्टोन आर रिमूव्ड uh, ठीक है मतलब ये कि जितने भी छोटी छोटी किडनी स्टोन होती हैं जितना ज़्यादा वाटर पियेंगे तो किडनी स्टोन क्या हो जाएंगी खत्म हो जाएंगी अब अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे किडनी स्टोन या उसके जो दूसरे एरियाज हैं वो भी क्या हो जाती हैं इन्फेक्टेड हो जाती हैंमोस्ट ये होता है कि किडनी स्टोन में ये इशू होता है कि जब एक दफ़ा मतलब स्टोन प्रोड्यूस हो जाए तो उसे उसके दोबारा रीजनरेट होने के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है लिथोट्रिप्सी ट्रिप्स, अब लिथोट्रिप्सी में क्या होता है ये एक स्पेशल टेक्निक है जिसमें नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स गिराई जाती हैं मतलब ये कि जो किडनी स्टोन है ना उस पर बम्बार्डमेंट की जाती है किसकी शॉक वेव्स की, की बम्बार्डमेंट की जाती है और उससे क्या होता है कि जैसे ही वो शॉक वेव्स किडनी स्टोन से टकराती हैं फॉर एग्जांपल ऐसे जो ना ये किडनी है तो यहाँ जाके शॉक वेव्स उस किडनी स्टोन से टकराती हैं तो वो जो किडनी स्टोन है वो क्या होता है सॉरी उससे जो किडनी स्टोन है वो क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है ठीक है मतलब ये कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है तो वो ईज़िली फिर यूरिन के जरिए रिमूव आउट हो जाता है ठीक है द स्टोन्स बिकम लाइक एंड आर पास थ्रो द यूरिन मतलब वो sand like हो जाते हैं मतलब जरे रेत के जरे जित जैसे हो जाते हैं और फिर वो यूरिन से ईज़िली चले जाते हैं रिमूव आउट हो जाते हैं अब रेनल फेलियर क्या होता है रेनल फेलियर मतलब ये कि जब भाई किडनी मुकम्मल तौर पर दो किडनीज होती हैं उनमें से अगर एक भी काम करना छोड़ दे तो इस चीज़ को हम किसका नाम देते हैं रेनल फेलियर मतलब ये कि जब वैन यूअर किडनी स्टॉप्स वर्किंग ठीक है या अब काम सही तरीके से ना कर पाए तो मतलब ये कि ब्लड को फिल्टर ना कर पाए तो इस कंडीशन को हम किसका नाम देते हैं रेनल फेलियर अब इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं फर्स्ट ऑफ आल जो ना डायबिटीज़ मिलइटस अब डायबिटीज़ मिलाइटस क्या होता है जब आपके ब्लड में शुगर की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है शुगर अब शुगर की कंसंट्रेशन हाई क्यों हो जाती है शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कहीं कि इंसुलिन जो है ना अब्सेंट होता है इंसुलिन एक हार्मोन है उस हार्मोन के अब्सेंट होने की वजह से हमारे ब्लड में शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं डायबिटीज़ मिलइटस और दूसरी कौन सी है हाइपर डायबिटीज़ और हाइपर है, इनकी वजह से किडनी फेल हो सकता है एक तो पहले से मतलब ये कि किडनी स्टोन है और ऊपर से ये चीज़ें भी आ गई तो ऐसे आसते तास किडनी वर्क करना छोड़ देता है अब नेक्स्ट क्या चीज है आ, नेक्स्ट ये है कि बाजात आपकी किडनी को ब्लड की ब्लड सप्लाई नहीं होता मतलब ये कि आ, अचानक कोई ऐसा चीज़ आ गया जिससे आपके किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं हुआ और किडनी वर्क करना छोड़ देंगे और किडनी के सेल्स डाई होना स्टार्ट हो जाएंगे और बाज़ात जब आप मेडिसन या ड्रग्स ज़्यादा ले लेते हैं तो आपका किडनी बर्दाश्त नहीं कर पाता और किडनी फेल हो जाता है नेक्स्ट क्या चीज़ है इसके रेनल फेलियर के जो मेन सिम्टम्स हैं कि भाई कब आपको लगेगा कि के आपकी किडनी फेल हो गई है तो जब यूरिया की जो कंसन्ट्रेशन है या दूसरे वेस्ट मटीरियल हैं वो आपके ब्लड में उनकी कंसनट्रेशन बढ़ जाती है क्यों क्योंकि आपका भाई किडनी फिल्टर ही नहीं कर रहा तो बढ़ेंगे अब विच कैन रिजल्ट इन वोमिटिंग अब उससे क्या हो सकती है वोमिटिंग हो सकती है नोज़िया हो सकता है और आपके वेट में कमी आना शुरू हो जाती है यूरिनेशन है और आपके ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया की कंसनट्रेशन मौजूद होती है अब एक्सेसिव फ्लूड्स इन बॉडी में आल्सो काज द स्वेलिंग ऑफ लेग्स क्योंकि जब आपका भाई ये सारी चीज़ें फिल्टर नहीं होती तो फ्लूड आपकी बॉडी में चला जाता है जिससे आपके मतलब क्या होता है आपके लेग्स स्वेल होना स्टार्ट हो जाते हैं फील फीट स्वेल होना स्टार्ट हो जाता है फेस जो है स्वेल होना स्टार्ट हो जाता है और फिर ऐसा ऐसा से आपको सांस की तंगी होने लग जाती किडनी फेलियर का ये भी एक मेन मेन रीज़न है तो ये था आज का टॉपिक इन नेक्स्ट जो है ना हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ किडनी किडनी कि किडनी को ट्रीट कैसे कर सकते हैं दो हमारे पास मतलब या जो ये किडनी फेलियर को दो तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं एक तो डायलिसिस के मेथड से और जो दूसरा मेथड है वो किडनी ट्रांसप्लांट है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे